हेलो, वेलकम। आज 5 सितंबर शिक्षकों के सम्मान में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस में मैं वेदिका खनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, उन सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन जो किसी ना किसी रूप में हमें जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। गुरु की महिमा का वर्णन तो आदिकाल से ही होता है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में अलग अलग तिथियों को शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इस पद की महानता को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। यूं समझिए कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्वयं को एक राष्ट्रपति से अधिक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की इच्छा प्रकट की। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाया चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, बनाया चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। अब अंत में एक छोटी सी कविता हम बच्चों की ओर से हमारे शिक्षकों के सम्मान में। हम स्कूल रोज है जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते, मन बच्चों का कोरा कागज उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते, जाति धर्म पर लड़े न कोई करना सबसे प्रेम सिखाते, हमें सफलता कैसे पानी कैसे चढ़ना शिखर बताते, हीरे सा हमें तराश कर अच्छा एक इंसान बनाते। धन्यवाद।